हेलो फ्रेंड्स, पीआईबी प्लस हिंदू एनालिसिस 16 अक्टूबर 2017। यू आर वाचिंग द एजुकेटर्स चैनल। तो हमेशा की तरह नोट्स बनाने की चिंता मत करना, पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, और व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक्स ज्वाइन कर सकते हो। इससे आपको जो है रेगुलरली प्रीलिम बेस्ड क्वेश्चंस मिलते रहेंगे, जिनको मैं डिस्कस करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, रिसेंटली अभी एक दो दिन पहले हमने साइबर जो सिक्योरिटी रिलेटेड एस्पेक्ट्स हैं, चाहे वो साइबर सिक्योरिटी हो या बॉर्डर सिक्योरिटी हो, स्पेस सिक्योरिटी हो, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे थे प्रीलिम्स पे। तो उसकी प्लेलिस्ट आपको यहाँ मिल जाएगी, तो वो क्वेश्चंस देख लेना। आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्वेश्चंस को रेगुलरली सॉल्व करो, उससे आपको पता चलता रहेगा कि आपकी तैयारी जो है वो किस स्टेज पे है, कहाँ आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए। और क्योंकि मैं क्वेश्चंस जो होते हैं वो बिल्कुल यूपीएससी बेस्ड पैटर्न पर बनाने की कोशिश करता हूँ, तो इससे आपको एक कॉम्प्रिहेंसिव आपका आउटलुक मिल जाएगा कि कहाँ पर आप अभी लैग कर रहे हो और कहाँ पर आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। ठीक है ना, तो फटाफट से देख लेते हैं आज के एनालिसिस। GS2 देख लेते हैं सबसे पहले। पाकिस्तान विड्रॉज टेरर चार्जेज अगेंस्ट हाफिज़ सईद। तो हाफिज़ सईद, जिसके पीछे इंडिया काफ़ी टाइम से पड़ा है, मुंबई अटैक्स के लिए इन्हें ज़िम्मेदार माना जाता है हाफिज़ सईद को। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट अभी काफ़ी टाइम से हाउस अरेस्ट पे चल रहा था, पाकिस्तान ने हाउस अरेस्ट पे रखा हुआ था हाफिज़ सईद को। अब पाकिस्तान ने सारे टेरर चार्जेज जो हैं हाफिज़ सईद के अगेंस्ट वो विड्रॉ कर लिए हैं। तो थोड़ा सा देख लेते हैं कि हाफिज़ सईद का क्या चक्कर क्या है, और पाकिस्तान ने टेरर चार्जेस जो इसे विड्रॉ किए हैं उसके क्या इंपैक्ट है। सबसे पहली बात तो देखिए, हाफिज़ सईद को यूएस ने भी एक टेररिस्ट डिक्लेयर किया हुआ है, और यूएस ने इसके सर पे कुछ 10 मिलियन डॉलर का जो है वो बाउंटी रखी हुई है। ठीक है, 1950 में भी बॉर्न हुआ था, 87 में फाउंडेड मरकाज दवाल इरशाद सुन्नी ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया। ठीक है, लश्कर ए तैयबा फाउंड किया 1990 में, जिसको यूएन ने एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डेजिग्नेट किया हुआ है। ठीक है, और फिर इन्होंने फाउंड किया जमात उद दवा, जो एक एलईटी का ही फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है। फिर 2008 में यूएन ने डिक्लेयर कर दिया जेयूडी को, जो ये आपका जमात उद दवा है, इसे एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर कर दिया था यूएन ने 2008 के मुंबई अटैक्स के बाद। ठीक है, अभी तक ऐसा नहीं है कि इसको पहली बार डिटेन किया गया था, 2001 में डिटेन कर चुके हैं, 2006 में डिटेन कर चुके हैं, फिर 2008, 2009 और फिर फाइनली अभी 2017 में डिटेन कर लिया गया था। लेकिन अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली जो सारे चार्जेस हैं इनके अगेंस्ट जो हैं वो विड्रॉ कर लिए हैं। ठीक है, तो अब जहाँ तक हो सकता है कि इनको फ्री भी कर दिया जाए। और दूसरी चीज़ ये, अभी इन्होंने रिसेंटली एक अपनी पॉलिटिकल पार्टी बनाने की भी बात की थी, जिसको ये कह रहे थे कि हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना जो है वो चाहते हैं, तो उसका भी एक काफ़ी इम्पैक्ट रहेगा। अब देखना है कि इंडिया का इस पर क्या रिएक्शन रहता है। ठीक है, तो इनको रेड नोटिस भी इशू किया था इंटरपोल ने, जो आपके ये हफीज़ साहब हैं, इनको रेड नोटिस जो है इंटरपोल ने इशू किया था। तो जो ये वेरियस नोटिसेज होते हैं जो इंटरपोल इशू करता है वो देख लेते हैं। रेड नोटिस कब इशू किया जाता है? रेड नोटिस आपका इशू किया जाता है टू सीक द लोकेशन एंड अरेस्ट ऑफ वांटेड पर्सन विद अ व्यू टू एक्सट्रेडिशन और सिमिलर लॉफुल। ठीक है, अगर कोई टेररिस्ट वगैरह है उसको अरेस्ट करने के लिए या उसकी लोकेशन ट्रैक करने के लिए, तो रेड नोटिस इशू किया जाता है। ठीक है, हाईली टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के जो बड़े टेररिस्ट होते हैं या जो बड़े क्रिमिनल्स होते हैं, उनको ये नोटिस जो है वो इशू किया जाता है। येलो नोटिस टू हेल्प लोकेट मिसिंग पर्सन, ऑफन माइनर्स, और टू हेल्प आइडेंटिटी पर्सन हुआ अनेबल टू आइडेंटिफाई देमसेल्स। ठीक है, अगर कोई ट्रैफिकिंग के केस में फंस जाता है, ठीक है, कोई माइनर जिसको ट्रैफिक करके दूसरी कंट्री में ले दिया जाता है, ठीक है, तो मिसिंग पर्सन्स को ढूंढने के लिए येलो नोटिस इशू किया जाता है। ब्लू नोटिस टू कलेक्ट एडिशनल इन्फॉर्मेशन अबाउट अ पर्सन, आइडेंटिटी, लोकेशन और एक्टिविटीज़ इन रिलेशन टू अ क्राइम। ठीक है, अगर कुछ ज़्यादा जानकारी चाहिए तो ब्लू नोटिस इशू किया जाता है। ब्लैक नोटिस टू सीक इन्फॉर्मेशन ऑन अनआइडेंटिफाइड बॉडीज़। ठीक है, कोई अनआइडेंटिफाइड बॉडी अगर मिलती है तो उस पर अगर इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी हो इंटरपोल को, तो ब्लैक नोटिस इशू किया जाता है। ग्रीन नोटिस टू प्रोवाइड वार्निंग्स एंड इंटेलिजेंस अबाउट पर्सन्स हु हैव कमिटेड क्रिमिनल ऑफेंसेज एंड आर लाइकली टू रिपीट दिस क्राइम्स इन अदर कंट्रीज। ठीक है, कोई अगर क्रिमिनल है, उसने एक कंट्री में कुछ गलत काम किया है, कुछ क्राइम किया है, तो उसके खिलाफ ग्रीन नोटिस दे दिया जाता है अगर वो किसी और कंट्री में बैठा है, कि भैया ये पहले इस कंट्री में खुराफात मचा चुका है, अब तुम्हारी कंट्री में है तो देख लो, ये तुम्हारी कंट्री में भी ऐसे काम कर सकता है, तो उस केस में ग्रीन नोटिस इशू कर दिया जाता है। ऑरेंज नोटिस टू वन ऑफ एन इवेंट, अ पर्सन, एन ऑब्जेक्ट और अ प्रोसेस रिप्रेजेंटिंग अ सीरियस इमिनेंट थ्रेट टू पब्लिक सेफ्टी। अगर पब्लिक सेफ्टी के लिए कुछ भी, कोई बंदा, कोई ऑब्जेक्ट, कोई पर्सन, कोई प्रोसेस, कुछ भी पब्लिक सेफ्टी को अगर थ्रेट करता है, तो उसके लिए ऑरेंज नोटिस इशू कर दिया जाता है। इंटरपोल यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल स्पेशल नोटिस इशूड फॉर ग्रुप्स एंड इंडिविजुअल्स हु आर द टारगेट ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल सेंक्शन कमिटी। अगर किसी पर सेंक्शन वगैरह लगाए जाते हैं, ठीक है, किसी ग्रुप पे, किसी इंडिविजुअल पे जिस पे यूएन सिक्योरिटी काउंसिल लगाता है, तो उसको ये नोटिस दिया जाता है। और पर्पल नोटिस टू सीक और प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन मॉडस ऑपरेंडी, ऑब्जेक्ट्स, डिवाइसेस एंड कंसीलमेंट मेथड्स यूज बाय क्रिमिनल्स। ठीक है, कुछ भी जो क्रिमिनल्स जो मेथड यूज़ करते हैं, डिवाइसेस यूज़ करते हैं, ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं, ठीक है, कोई गन वगैरह, कुछ वेपन वगैरह यूज़ करते हैं, तो उस पर जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए पर्पल नोटिस जो है इशू किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देख लेते हैं,
NRIs कैन सून वोट बाय प्रॉक्सी. सुषमा स्वराज जो हमारी एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, उन्होंने अभी एक ये फिर से जो है डिबेट शुरू कर दी है. ठीक है, जो आपके NRIs होते हैं, जो सिटीजन इंडिया के होते हैं लेकिन वो रेजिडेंट आउट ऑफ इंडिया कर रहे हैं किसी कंट्री में, तो अभी तक प्रॉब्लम क्या होती है, अगर उन्हें वोट करना होता है तो उन्हें वापस इंडिया आके वोट करना पड़ता है. ठीक है, तो उसमें काफ़ी ज़्यादा जो NRIs हैं वो तो आते ही नहीं कि भैया इतना टिकट विकेट लेके वीज़ा वगैरह लगवा, वीज़ा तो नहीं लगवाना पड़ेगा, खैर टिकट वगैरह लेके इतना खर्चा करके भारत जाना पड़ेगा वोट करने, चलो रहने ही दो कोई बात नहीं. तो उस चीज़ को अब ख़त्म करने की बात की जा रही है ताकि उन्हें वापस इंडिया ना आना पड़े वोट करने के लिए, वो अपनी जहाँ जिस कंट्री में है वहीं से वो अपना वोट जो है वो दे सकें. उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या कहा है कि भैया हम रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट जो है उसको अमेंड करने की बात कर रहे हैं. ठीक है, अमेंडमेंट से क्या होगा, दे कुड जस्ट इशू एन ऑथराइजेशन लेटर टू फैमिली मेंबर्स और रिलेटिव्स टू वोट ऑन देयर बिहाफ. ठीक है, जो NRI होगा, फॉर एग्जाम्पल कोई इंडियन सिटीजन है, ठीक है, वो अमेरिका में नौकरी कर रहा है, अमेरिका में बैठा है, तो वो वोट करने पहले उसको क्या करना पड़ता था, इंडिया आना पड़ता था. ठीक है, अब वो क्या करेगा, वहीं से एक अपना लेटर ऑफ इंटेंट दे देगा. ठीक है, लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दे देगा अपने किसी भी फैमिली मेंबर को जो यहाँ पर रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल कोई भाई रहता है, कोई बहन रहती है, कोई कज़न रहता है, उनको अपना एक लेटर ऑफ ऑथराइजेशन दे देंगे कि भैया मैं इसको, इस बंदे को ऑथराइज़ करता हूँ, ये मेरा कज़न है, मैं इसको ऑथराइज़ करता हूँ कि ये मेरे बिहाफ पर वोट कर सकता है. ठीक है, तो ये जो सिस्टम है सरकार अब शुरू करने की बात कर रही है. तो अब डिबेट शुरू हो गई है कि NRI वोटिंग पे क्या असर पड़ेगा. तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मैं आपको बता चुका हूँ कि रिप्रेजेंटेशन टू पीपल एक्ट उसको अमेंड करने की बात कर रही है, लेकिन काफ़ी जो चैलेंजेस हैं वो भी हमें ट्रैक करने पड़ेंगे इसके केस में. ठीक है, इलेक्शन कमीशन जो है हमारा इंडिया का, उनको प्रॉपर एक मैकेनिज्म इन्वॉल्व करना पड़ेगा जिससे ये तय किया जाए कि जिस बंदे ने, फॉर एग्जांपल अगर कोई NRI है वो अमेरिका में बैठा है, ठीक है, अमेरिका वाले उस बंदे ने कहा कि भाई मेरे को BJP पार्टी को वोट करना है, लेकिन जिस बंदे को उसने यहाँ पे ऑथराइज़ किया वो कांग्रेस का बंदा था, ठीक है, वो कांग्रेस पार्टी को सपोर्ट करता है, और वो जाके ना उसके बिहाफ पे उसके नाम से भी कांग्रेस के बंदे को वोट कराया. ठीक है, तो इस चीज़ को कैसे टैकल किया जाएगा कि जिस बंदे जिसको उसने वोट करने के लिए बोला है, NRI ने जिसको वोट करना चाहता है वो उसको ही पर्टिकुलर वोट मिला है या नहीं मिला है, ये चीज़ एक तो इलेक्शन कमीशन को देखनी पड़ेगी. अब इसके लिए दो तरीके हैं, एक तो वोटर वेरीफाइबल पेपर ट्रेल, ठीक है, जिसमें आप किसको वोट करते हो, जब आप EVM मशीन पे बटन दबाते हो उसके बाद वो पेपर पे निकल के आ जाता है कि हाँ भैया आपने इसको वोट किया, तो आप वेरीफाई कर लेते हो. लेकिन इसमें भी प्रॉब्लम है, अगर आपने किसी को ऑथराइज़ किया और वो चाहता ही किसी दूसरी पार्टी को वोट करना है, ठीक है, एक बार उसने वोट डाल दिया उसके बाद आप पेपर वेरीफाइबल का क्या करोगे, वो फिर चेंज तो हो नहीं सकता, उसमें से वोट वो कम तो कर नहीं सकते. ठीक है, तो ये एक जो है फुल प्रूफ मेथड नहीं है. ठीक है, तो फुल प्रूफ वेरीफिकेशन सिस्टम करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इलेक्शन कमीशन को, इजी टास्क ये बिल्कुल भी नहीं है. कमीशन वुड हैव टू डिफाइन वेदर द प्रॉक्सी कुड बी एन इमीडिएट फैमिली मेंबर, वाइफ, हस्बैंड, वार्ड और पेरेंट ऑफ द NRI. ठीक है, ये भी बताना पड़ेगा कि जो जिसको वो ऑथराइज कर रहा है NRI वो इमीडिएट फैमिली मेंबर होना चाहिए या कोई दूर का रिलेटिव भी हो सकता है, मतलब कि बीवी, बच्चे, बाप, बहन के अलावा, जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई दूर का चाचा, भतीजे का कजन वगैरह, वो भी कर सकता है या सिर्फ इमीडिएट फैमिली मेंबर कर सकता है. ठीक है, ये भी सेट करना पड़ेगा. ऑल्सो हैव टू फिक्स द नंबर ऑफ वोट्स अ प्रॉक्सी कुड कास्ट इन एन इलेक्शन. ठीक है, इसमें क्या चक्कर है, आप किसी कोई फॉर एग्जांपल आप 10 लोग अमेरिका में रहते हैं, उन 10 लोगों का एक ही रिश्तेदार है इंडिया में. ठीक है, तो वो क्या 10 के 10 लोग एक ही जो उनका रिश्तेदार इंडिया में है उसको प्रॉक्सी बना सकते हैं, क्या वो एक ही प्रॉक्सी 10 लोगों के बिहाफ पर वोट कर सकता है, तो ये भी चीज़ सेट करनी पड़ेगी. ठीक है, और अगर कर सकता है तो कितने लोगों के लिए कर सकता है, 2, 4, 5, 6 या 10 के 10 के लिए. ठीक है, केरला, पंजाब, गुजरात, ये 3 स्टेट्स हैं जिनमें बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है NRIs की. ठीक है, तो इनके जो स्टेट ऐसे इलेक्शंस होने हैं और 2019 के लोकसभा इलेक्शंस होने हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट पड़ेगा अगर इस चीज़ को अमेंड कर दिया जाता है. ऑल पॉलिटिकल पार्टीज हैव ओवरसीज सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस एंड द कैंपेन वुड बी एक्सटेंडेड टू द गल्फ एंड अदर कंट्रीज टू वंस द डिसीजन कम इनटू फोर्स. अब जो जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज हैं, उनके कल्चरल ऑर्गेनाइज, सोशल कल्चरल ऑर्गेनाइजेशंस हैं बाहर की कंट्रीज में, तो अगर ये चीज़ हो जाती है तो जो अब हम देखते हैं कि इलेक्शंस के टाइम पे जो कैंपेनिंग चलती है सिर्फ इंडिया में ही नहीं, वो फिर गल्फ की कंट्रीज में जहाँ पर मेनली इंडियन पॉपुलेशन रिसाइड कर रही है, ठीक है, वो एक कैंपेन ग्राउंड बन जाएंगी इन पॉलिटिकल पार्टीज का. ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं. डोकलाम डिरेल ट्रेन प्लान, ऑफिशियल साइट लैक ऑफ रिस्पांस फ्रॉम चाइना कंपनी टू हाई स्पीड ट्रेन प्रोजेक्ट. ठीक है, एक एम्बिशियस ट्रेन प्रोजेक्ट अभी हम करने की बात कर रहे थे चाइना के साथ, चाइनीज कंपनीज के साथ बात चल रही थी चाइना और मैसूर को कनेक्ट करने की वाया बेंगलुरु. ठीक है, दिसंबर में इसकी सारी केस स्टडी वगैरह भी हो गई थी, सारा सब कुछ कर लिया था, लेकिन अब जो प्रोजेक्ट है वो काफ़ी डिले हो गया क्योंकि चाइनीज कंपनी ने कोई साइन ही नहीं शो किया कि वो इंटरेस्टेड है या नहीं इंटरेस्टेड है. तो रेलवे ऑफिशियल्स का ऐसा कहना है कि लैक ऑफ रिस्पांस में भी ड्यू टू डोकलाम स्टैंड ऑफ. अब ये न्यूज़ आप सोच रहे होंगे कि ये न्यूज़ क्या इंपॉर्टेंट है, ये न्यूज़ अगर कोई इस साल का मेंस का एग्जाम दे रहा है,
ठीक है, अगर आप 2017 में अभी मेंस लिख रहे हैं जो 28 अक्टूबर से हैं, तो ऐसी ऐसी जो खबरें होती है ना, आप अगर इंटरनेशनल रिलेशंस में GS2 में आपका कोई क्वेश्चन आ जाता है तो उसमें लिख सकते हो कि भाई जो ये कंटिन्यूस जो इश्यूज हो रहे हैं इंडिया और चाइना के बीच में, इससे क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, इससे इकोनॉमिक इंपैक्ट क्या पड़ रहा है, तो आप ये डाल सकते हो कि जो प्रोजेक्ट्स हैं, जो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं, वो स्टॉल हो रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं ऐसे ऐसे फॉर्डर पॉइंट्स जब आपको मेंस के आंसर लिखने होते हैं, हालांकि प्री पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं, प्रो बोनो नॉर्म्स फॉर जजेस टू। अभी हमने कुछ दिन पहले, एक दो दिन पहले जब हमने डिस्कस किया था, जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया है कि भैया एक कमेटी बनाएंगे हम, जिससे सीनियर जो एडवोकेट है, जो सीनियर एडवोकेट का स्टेटस है सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में, वो सीनियर एडवोकेट का स्टेटस देने के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी जो डिसाइड करेगी कि पर्टिकुलर एडवोकेट सीनियर एडवोकेट बनने के काबिल है या नहीं है। तो अभी जो लॉ मिनिस्ट्री है उन्होंने ऐसा कहा है कि ठीक है, ये बड़ी अच्छी बात की है, ठीक है आपने, उसमें एक नॉर्म ये भी है प्रो बोनो नॉर्म। प्रो बोनो नॉर्म आपका क्या होता है कि अगर कोई वकील फ्री में केस लड़ता है किसी के लिए, अब हमारा देश जो है गरीब देश है, ठीक है, काफ़ी सारे क्लाइंट्स होते हैं वो पैसा नहीं दे पाते वकीलों को, ठीक है, अपना केस लड़ने के लिए, तो काफ़ी वकील ऐसे होते हैं जो आपका केस जो है फ्री में लड़ते हैं, तो अगर कोई वकील ऐसा केस फ्री में लड़ता है तो उसको पर्टिकुलर नंबर पॉइंट्स दिए जाएंगे कि वो उसको सीनियर एडवोकेट बना दिया जाए, ठीक है, उसको एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे, जो जितने ज़्यादा फ्री केसेस लड़ेगा उसको उतने ज़्यादा एडिशनल पॉइंट्स मिलेंगे, और फिर कमेटी ये देखेगी कि हाँ भाई इस एडवोकेट ने इतने फ्री केसेस लड़े हैं तो इसको सीनियर एडवोकेट बनाना चाहिए, ठीक है। तो अब जो लॉ मिनिस्ट्री है उनका ये कहना है कि अच्छी बात है, ये प्रो बोनो वाला जो आपने एडवोकेट्स के केस में डाला है बहुत अच्छा है, ठीक है। अब आप लोग जानते हैं कि जो सीनियर एडवोकेट्स होते हैं या जो एडवोकेट्स होते हैं उनको हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जजेस भी बना दिया जाता है, उसमें पर्टिकुलर हमारे पास क्राइटेरिया है कि उन्होंने 10 साल तक किसी हाई कोर्ट में सर्व किया होना चाहिए एज अ लॉयर, ठीक है। तो अगर लॉ मिनिस्ट्री का यह कहना है कि आप उन एडवोकेट्स को जो प्रो बोनो नॉर्म्स फॉलो करते हैं उनको आप सिर्फ सीनियर एडवोकेट्स के लिए नहीं, आप उनको जजेस के प्रमोशन के लिए भी कंसीडर कीजिए, ठीक है। जब आप जजेस अपॉइंट करते हैं हाई कोर्ट के या सुप्रीम कोर्ट के, जो कॉलेजियम जो नाम सजेस्ट करता है, तो उसमें आप जो प्रो बोनो नॉर्म्स से केसेस खेल रहे हैं जो लॉयर्स, उनका नाम आप जुडिशरी के लिए भी प्रेफर कीजिए, सिर्फ सीनियर एडवोकेट्स के लिए नहीं, जुडिशरी के लिए भी प्रेफर कीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं, कैजुअलिटीज इंक्रीज एज ह्यूमन जंबोस क्रॉस पाथ्स, ठीक है। तो अपने देश में ये मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट जो एलिफेंट्स के साथ है काफ़ी चलता रहता है, तो आज ये थोड़ी सी छोटी सी केस स्टडी टाइप थी वेस्ट बंगाल की, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल में काफ़ी ज़्यादा केसेज जो है वो राइस पे हैं, तो क्या चीज़ है, क्या सिनेरियो हम सारा देख लेते हैं। तो वेस्ट बंगाल रिकॉर्डेड द हाईएस्ट ह्यूमन डेथ्स इन अटैक्स बाय एलिफेंट्स इन 2014-15 एंड 2015-16, तो काफ़ी ज़्यादा देख रहे हैं आप सीरियस जो है वो प्रॉब्लम है, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या है, साउथ बंगाल में मेनली ये ज़्यादा प्रॉब्लम है। 1980s में क्या था कि वहाँ पे कोई ज़्यादा एलिफेंट पॉपुलेशन थी ही नहीं, जो थोड़ी बहुत पॉपुलेशन थी वो आपकी बॉर्डर एरियाज़ में थी, ठीक है, जो ओडिशा और झारखंड वगैरह के साथ, बिहार वगैरह के साथ बॉर्डर लगता है, उधर में थोड़ी बहुत पॉपुलेशन थी, नहीं तो ज़्यादा कुछ पॉपुलेशन नहीं थी। लेकिन टाइम के साथ जो है ये पॉपुलेशन बढ़ गई, ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है कि जो साउथ बंगाल में फॉरेस्ट है वो काफ़ी ज़्यादा फ्रेगमेंटेड है, ठीक है, कुछ डीप फॉरेस्ट नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि पूरा एक बड़ा सा लैंड है फॉरेस्ट का, फ्रेगमेंटेड फॉरेस्ट है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, छोटा सा फॉरेस्ट फिर ह्यूमन हैबिटेशन वाला एरिया आ गया, जिसकी वजह से मैन एनिमल कंफ्लिक्ट के जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं। दूसरी चीज़, जो बंगाल है, साउथ बंगाल है, वो आपका नेचुरल हैबिटेट नहीं है एलिफेंट्स का, ठीक है। वो तो टाइम के साथ साथ पॉपुलेशन बढ़ गई क्योंकि उनकी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए मेजर्स नहीं लिए गए। अगर किसी भी एनिमल की पॉपुलेशन एक लिमिट से ज़्यादा बढ़ती है तो जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनको उसकी पॉपुलेशन कंट्रोल के लिए मेजर्स लेने चाहिए, जो नहीं लिए गए, ठीक है। और साउथ बंगाल में एक प्रॉब्लम क्या हो रही है, जो एलिफेंट हर्ड्स हैं, जो हाथी हैं, उनकी जो फूड हैबिट्स है वो भी काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गई है, ठीक है। अब उन्हें खाने में क्या पसंद है, एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, जूसी फ्रूट्स खाना पसंद है जो जंगल में नहीं मिलते, तो वो इस अपने फूड को ढूंढते हुए जो है ह्यूमन हैबिटेशन एरिया में आ जाते हैं, क्रॉप एरिया में आ जाते हैं और एग्रीकल्चर क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं, और जो है प्रॉब्लम बढ़ गई है। मेजर्स क्या लिए गए हैं इसके लिए, अब एडमिनिस्ट्रेशन ने मेजर्स क्या लिए हैं, अब ये मेजर्स जो होते हैं, आप अगर कहीं पे भी एनिमल मैन कन्फ्लिक्ट का कुछ आ जाता है तो आप इनको एज ए एग्जाम्पल ट्रेस कर सकते हो अपने आंसर में कि भैया ऐसे ऐसे एग्जाम्पल्स बंगाल एडमिनिस्ट्रेशन ने लिए हैं, तो बाकी की जो स्टेट्स हैं ओडिशा कर्नाटका जहाँ पर मैन एनिमल कन्फ्लिक्ट एलिफेंट्स के साथ कन्फ्लिक्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो वो स्टेट्स भी इन एग्जाम्पल्स को फॉलो कर सकती हैं। प्लांटिंग ट्रीज लाइक बैम्बू एंड साल इन द फॉरेस्ट एज एलिफेंट फॉर्डर, ठीक है। अब इनको बैम्बू साल खाना हाथियों को काफ़ी पसंद है, ठीक है, तो अगर ये फॉरेस्ट में ही उन्हें मिल जाएगा तो एग्रीकल्चरल एरिया में आएंगे ही नहीं, तो एक ये स्टेप लिया गया। ट्रैकिंग द एनिमल मूवमेंट एंड प्रोवाइडिंग SMS अलर्ट्स, ठीक है, एनिमल मूवमेंट को प्रॉपरली ट्रैक किया जाए और SMS अलर्ट प्रोवाइड कर दिया जाए पहले ही जो ह्यूमन हैबिटेशन है आसपास की, कि भैया ये तुम्हारे एरिया में घुसने वाले हैं, तो सवारी अपने सामान की खुद जिम्मेदार है, ठीक है। और क्या किया जा सकता है, जैसे मैंने आपको कहा कि पॉपुलेशन काफ़ी बढ़ गई है, तो कॉन्ट्रासेप्शन मेजर्स यूज़ किए जा सकते हैं ताकि पॉपुलेशन आगे ना बढ़े, ठीक है, कैप्चर करके रीएलोकेट किया जा सकता है दूसरी स्टेट्स में,
ठीक है, जहाँ पर इनकी पॉपुलेशन कम है वहाँ पर इनको रीएलोकेट किया जा सकता है। तो ये कुछ स्टेप्स जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन उठा सकती है। नेक्स्ट देख लेते हैं GS3, इंडियन इकोनॉमी ऑन वेरी सॉलिड ट्रैक इन द मीडियम टर्म। ठीक है, तो IMF चीफ जो हैं उन्होंने अब ये कहा है कि इंडियन इकोनॉमी में माना कि हमने जो अभी GST लॉन्च हो गया और डीमोनेटाइजेशन हो गया उसकी वजह से जो है मंदी आ गई है इकोनॉमी में, क्योंकि IMF ने कुछ टाइम पहले जो इंडियन इकोनॉमी के 6 महीने पहले बताया था कि भाई इंडियन इकोनॉमी इतने उससे ग्रो करेगी, इतने GDP परसेंट से ग्रो करेगी 2017 में, इतने GDP परसेंट से ग्रो करेगी 2018 में, तो रिसेंटली उन्होंने उस परसेंटेजेस को डाउन कर दिया है कि नहीं अब थोड़ा सा इफेक्ट पड़ गया। और उसके लिए उन्होंने जो रीज़न दिया था वो यही था कि डीमोनेटाइजेशन और GST की वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कम हो गई है। लेकिन अब जो IMF चीफ है उनका कहना है कि माना कि इसमें जो शॉर्ट टर्म में इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो कम हो गई है, लेकिन लॉन्ग टर्म में इसका इम्पैक्ट हम देखेंगे और इंडियन इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी। ठीक है, तो BJP वालों के लिए तो मज़ेदार बात हो गई है भैया एकदम, कि उनको पॉइंट मिल गया है कि एक हाँ बड़े दिनों से वो, क्योंकि अपोजिशन पार्टीज वगैरह सब उठा रहे थे कि ये क्या डीमोनेटाइजेशन और GST ला के हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ रोक दी, तो अभी एक पॉजिटिव पॉइंट मिल गया है सरकार को। वी वेरी मच होप दैट द कॉम्बिनेशन ऑफ फिस्कल डेफिसिट, बिकॉज द डेफिसिट हैज़ बीन रिड्यूस्ड एंड इन्फ्लेशन हैज़ बीन डाउन सिग्निफिकेंटली। फिस्कल डेफिसिट को रिड्यूस किया गया है, इन्फ्लेशन को मेंटेन किया गया है, एंड द स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स विल, स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स में आपकी GST की बात की जा रही है, विल एक्चुअली डिलीवर द जॉब्स दैट द इंडियन पॉपुलेशन पर्टिकुलरली द यंग इंडियन पीपल एक्सपेक्ट इन द फ्यूचर, ऐसा IMF चीफ का कहना है। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, इंफॉर्मेशन यूटिलिटी अंडर IBC। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी है क्या? सबसे पहले तो ये इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी न्यूज़ में क्यों है ये देख लेते हैं। लास्ट मंथ नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड बिकेम इंडियाज फर्स्ट इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी फॉर बैंकक्रप्सी केसेस अंडर द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी कोर्ट। NECL इज ओन्ड बाय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एंड लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड अमंग अदर्स। अब देख लेते हैं इसके बारे में ये सब है क्या। वॉट इज एन इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी? इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी इज एन इन्फॉर्मेशन नेटवर्क विच वुड स्टोर फाइनेंशियल डाटा लाइक बोरोइंग्स, डिफॉल्ट एंड सिक्योरिटी interests among others of firms. The utility would specialize in procuring, maintaining and providing, supplying financial information to business, financial institutions, educating authority, insolvency professionals and other relevant stakeholders. तो मोटा मोटा हिसाब ये है भैया इसमें कि जो सारा borrowing financial data होगा like कि किस फर्म ने कितना बोरो किया हुआ है, किस बैंक से बोरो किया हुआ है, उसके बदले में सिक्योरिटी क्या दी हुई है, ठीक है, वो सारा क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, अपने जो लोन्स हैं वो टाइम पे दिए हैं या नहीं दिए हैं, तो वो सारा जो डाटा रखेंगी वो ये इन्फॉर्मेशन यूटिलिटी जो कंपनीज बनाई जा रही हैं वो रखेंगी। ठीक है, और ये जो डाटा होगा ये सिर्फ बैंक्स को अवेलेबल नहीं होगा, ये डाटा सब आपका जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है बिजनेसिस को भी प्रोवाइड की जाएगी। ठीक है, बिजनेसिस को प्रोवाइड करने का क्या रीज़न है? आप किसी पर्टिकुलर कंपनी के साथ डील कर रहे हैं अगर, तो उस पर्टिकुलर कंपनी के साथ डील करने से पहले आपको उसका फाइनेंशियल रिकॉर्ड पता होना चाहिए कि भाई दिवालिया तो नहीं होने वाला है, ठीक है ना, उसमें उसकी क्रेडिट हिस्ट्री कैसी है, लोन रिपेमेंट कैसी है, वो सारा पता रहेगा। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस ताकि वो लैंड लोन देने से पहले पता कर सके कि भैया क्या रिकॉर्ड है इसका। एजुकेटिंग अथॉरिटी, जो आपकी एजुकेटिंग अथॉरिटी बनाई गई है इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी कोड के अंडर, ठीक है, वहां पर ताकि आप प्रूफ दे सकें कि हाँ भाई इस बैंक्स जा सकें जब इंसॉल्वेंसी एंड बैंकक्रप्सी कोड के पास जब जाएं कि भैया ये हमारा पैसा नहीं दे रहा, तो वो प्रूफ कर सके इंफॉर्मेशन यूटिलिटी का डाटा दिखा के कि देखो ये हमारा ऐसे ऐसे इसकी क्रेडिट हिस्ट्री है और ये चोर निकला एक नंबर का, ठीक है, तो वो सारी चीजों के लिए। इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल जो होते हैं उनके लिए हेल्पफुल रहेगा एंड रेलिवेंट स्टेक होल्डर्स। Why it is important, how useful it is, high quality authenticated information about debts and defaults, ये मैं आपको बता चुका हूँ। More importantly, information available with the utility can be used as evidence in bankruptcy cases before the National Company Law Tribunal, ये भी मैं आपको अभी बता चुका हूँ। What are the rules governing these utilities? Information utilities are governed by Insolvency and Bankruptcy Code 2016, ठीक है, ये आपका इसको govern करेगा। The Insolvency and Bankruptcy Board of India, जो इस code के अंडर ही बनाया गया है, ओवरसीज एस्पेक्ट सच एज रजिस्ट्रेशन एंड कैंसिलेशन ऑफ दीज एंटिटीज़, ठीक है, तो इसका काम रहेगा कि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़ जो बन रही हैं उनकी रजिस्ट्रेशन और कैंसिलेशन का काम देखे, उनकी शेयर होल्डिंग और गवर्नेंस का काम देखे। और IBBI ने रिसेंटली क्या किया है, इसके नॉर्म्स ईज कर दिए हैं, पहले सिर्फ पब्लिक सेक्टर को अलाउड था, अब इंडियन फर्म्स जो स्टॉक एक्सचेंजेस पे लिस्टेड हैं, ठीक है, वो भी ऐसी इन्फॉर्मेशन यूटिलिटीज़ जो हैं बना सकती हैं, और इंडिविजुअल्स जिनके पास कम से कम 51% जो शेयर होल्डिंग है वो भी 3 सालों के लिए ये यूटिलिटी बना सकते हैं। अब की चैलेंजेस क्या हैं इन यूटिलिटीज़ के लिए? प्रोक्योरिंग ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है, ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन प्रोक्योर करना एक चैलेंज है,
ठीक है, देयर मे बी रेजिस्टेंस इन शेयरिंग इन्फॉर्मेशन, जो कंपनीज हैं वो रेजिस्ट कर सकती हैं कि भाई हम क्यों अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर करें. सिंस इट इज डिजिटल डाटा बेस, देर इज अ रिस्क ऑफ एक्सपोजर टू डाटा प्राइवेसी एंड डाटा थेफ्ट. ठीक है, डाटा प्राइवेसी और डाटा थेफ्ट का मेजर इशू है भैया, क्योंकि डिजिटल है और ओपन है थोड़ा, ठीक है ना, तो वो भी एक इशू है जो इनको देखना पड़ेगा. उसके बाद साउथ स्टोरी, प्लांटेशन क्रॉप गेट्स गेट द शिवर्स, क्लाइमेट चेंज, लो यील्ड्स, इम्पोर्ट्स आर अफेक्टिंग टी कॉफी रबर एंड स्पाइस ग्रोअर्स, वैल्यू एडिशन इज नाउ की दे से. ठीक है, तो साउथ में जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं उनका थोड़ा सा अपने पास केस स्टडी टाइप आई है, तो वो देख लेते हैं. प्लांटेशन की साउथ इंडिया में इंपॉर्टेंस क्या है, दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो हाईलाइट किए गए हैं कि कुछ 13 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है ये सदर्न स्टेट्स में, जो आपकी केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु, जहाँ पे मेनली प्लांटेशन हैं, उन तीन स्टेट्स में कुछ 13 लाख लोगों को अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयमेंट मिलती है. ठीक है, उसके बाद जो 40% आपकी टी इस एरिया में प्रोड्यूस होती है और 31% जो आपका पेपर इस एरिया में प्रोड्यूस होता है उसको एक्सपोर्ट किया जाता है. तो आप देख रहे हैं कि हमारे जो एक्सपोर्ट है उसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है. कॉमन चैलेंजेस जो हैं वो प्लांटेशन क्रॉप्स के वो क्या हैं, एक क्लाइमेट चेंज. ठीक है, जैसे जैसे क्लाइमेट बदल रहा है, क्योंकि आपकी जो प्लांटेशन क्रॉप्स हैं टी कॉफ़ी रबर वो काफ़ी सेंसिटिव होती हैं क्लाइमेट को, तो अगर थोड़ा सा भी चेंज होता है तो उनके यील्ड में काफ़ी ज़्यादा चेंज आ जाता है. ठीक है, तो क्लाइमेट चेंज एक मेजर इशू है. इंक्रीजिंग लेबर एंड इनपुट कॉस्ट, लेबर एंड इनपुट कॉस्ट के बढ़ने से जो उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो बढ़ गई है. वेजेस अकाउंट 550 नहीं है, ये ओनली 50 है. वेजेस अकाउंट फॉर 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन. ठीक है, 50% ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन सिर्फ लेबर की वेजेस में चली जाती है. नॉर्थ ईस्ट में जहां आपकी वेजेस पर पर्सन पर डे 130 to 140 रुपीज़ है, वहीं साउथ इंडिया में ये कुछ 300 रुपये है. तो आप देख रहे हैं कि जो कॉम्पिटिटिवनेस है वो काफ़ी ज़्यादा गिर जाती है इस वजह से. यील्ड को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, उसके लिए साइंटिफिक रिसर्च की ज़रूरत है. नेसेसिटी टू फोकस ऑन वैल्यू एडिशन, वैल्यू एडिशन करने की ज़रूरत है, उसको अच्छा ब्रांड बनाने की ज़रूरत है, उसकी क्वालिटी इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है. तो टी प्लांटेशन में देख लेते हैं अपने पास मेजर इशू क्या है. टुडे दो एक्सपोर्ट्स टू डिफरेंट डेस्टिनेशन आर हाई इन वॉल्यूम, इट इज़ मोस्टली इन द लो प्राइस रेंज. इवन द बेटर गार्डन्स इन साउथ इंडिया रियलाइज जस्ट अबाउट 100 अ केजी एज अगेंस्ट 240 अ केजी फॉर श्रीलंकन टी. ठीक है, माना कि हमारा जो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हमारी जो टी है वो काफ़ी लो प्राइस रेंज एक्सट्रैक्ट कर पाती है. जहाँ ऑक्शन होती है ना इंटरनेशनल मार्केट में, तो क्वालिटी के हिसाब से लोग ऑक्शन करते हैं, तो अपनी जो चाय पत्ती है सिर्फ 100 रुपया पर किलो पे ऑक्शन हो पाती है. वहीं अगर हम श्रीलंकन टी देखें तो 240 रुपया किलो हो जाती है. तो क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, ताकि हमारी जो टी है वो बेटर प्राइजेस रियलाइज कर सके. कॉफ़ी प्लांटेशन में दिक्कत क्या है, द कॉस्ट ऑफ कॉफ़ी प्रोडक्शन इन कंट्रीज सच एज वियतनाम इज मच लोअर. ठीक है, वियतनाम जैसी कंट्रीज अभी नई नई आ रही हैं कॉफ़ी प्लांटेशन में, तो एक तो वहाँ पर लेबर सस्ती है तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम है. ऊपर से जो वहाँ पे प्लांटेशन है, जैसे मैंने आपको बताया कि नई है, रिलेटिवली न्यू है, जिसकी वजह से जो यील्ड है वो भी हाई है. ठीक है, और दूसरी चीज़ जो मैं आपको बता चुका हूँ कि हमारी वेजेस हाई हैं, और हमारे यहाँ पे जो एक पेस्ट है स्टेम बॉर्न अटैक होते रहते हैं. ठीक है, ये आपका एक पेस्ट है जिसकी वजह से भी हमारी प्रोडक्शन कम हो रही है. तो वियतनाम जैसी कंट्रीज़ जो हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा कम्पीट कर रही हैं इंटरनेशनल मार्केट में, और हमारी जो खुद की डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट है उसमें भी इनका ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है वियतनाम कॉफ़ी का, जिसकी वजह से डोमेस्टिकली भी जो हमारी खुद की प्रोडक्शन है, हमारी खुद की प्लांटेशन है, वो काफ़ी ज़्यादा डिसएडवांटेज पे हैं. ठीक है, तो रिसर्च की ज़रूरत है इसमें भी, कि हम प्रोटेक्ट कर सकें अपनी क्रॉप्स को पेस्ट अटैक्स के लिए, और यील्ड अपना बढ़ा सकें. ठीक है, अपनी क्वालिटी इंप्रूव कर सकें, ताकि जो हम ये कंपटीशन फेस कर रहे हैं उसको रिड्यूस किया जा सके. रबर प्लांटेशन में देख लेते हैं. ठीक है, तो ज़्यादातर जो रबर प्रोड्यूसिंग कंट्रीज होती हैं उनकी डोमेस्टिक मार्केट खुद की तो होती नहीं. ठीक है, तो वो ज़्यादातर जो है अपना एक्सपोर्ट ही करती हैं, तो अपनी अपना भी सेम हिसाब है. अपनी कंट्री में क्या होता है, अभी तक हमारी जो रबर कंज्यूमिंग इंडस्ट्री है वो मेनली टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं. ठीक है, और हमारे जो डोमेस्टिकली है वो शीट रबर हम प्रोड्यूस करते हैं, तो ये टायर मैन्युफैक्चरर्स अभी तक शीट रबर हमारी कंट्री से यूज़ कर लेते थे, तो अपनी काफ़ी ज़्यादा जो था रबर वो डोमेस्टिक प्रोडक्शन में ही यूज़ हो जाती थी. लेकिन अब जो ये टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं ये स्विच ओवर कर रहे हैं टू ब्लॉक रबर. ठीक है, क्योंकि ब्लॉक रबर का बेटर क्वालिटी रहता है. ठीक है, और अपने जो ज़्यादातर डोमेस्टिक ग्रोअर्स हैं, जो स्मॉल स्केल के ग्रोअर्स हैं, वो शीट रबर ग्रो करते हैं, तो ये कंपटीशन बढ़ गए हैं उनका, और शीट रबर अब टायर मैन्युफैक्चरर्स खरीद नहीं रहे हैं, जिसकी वजह से उनको काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉब्लम आ रही है. ठीक है, क्लाइमेट चेंज की मेजर प्रॉब्लम है रबर में. इंपोर्ट जो है वो बढ़ रहे हैं, जैसे मैंने आपको बताया, क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, जो टायर मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो स्विच ओवर कर रहे हैं ब्लॉक रबर को. सरकार ने कुछ मेजर्स लिए हैं पिछले 1-2 साल में, वो रेगुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं इंपोर्ट्स को, ताकि जो डोमेस्टिक इंडस्ट्री है उसको रिवाइव किया जा सके. लेकिन इसके लिए और ज़्यादा एफर्ट्स पुट करने की ज़रूरत है. मेन एफर्ट ये पुट करने की ज़रूरत है कि हम स्विच ओवर कर दें अपने प्लांटेशन फार्मर्स को, कि वो भी धीरे धीरे जो है ब्लॉक रबर की तरफ शिफ्ट हो जाएं. स्पाइसेस प्लांटेशन में क्या प्रॉब्लम है, कार्डमम और पेपर जो है हमारे मेन स्पीशीज़ हैं, जो प्लांटेशन साइड में हम एक्सपोर्ट करते हैं. ठीक है, लेकिन काफ़ी इलीगल मोड के थ्रू
पेपर इंपोर्ट बढ़ गए हैं अपने देश में वियतनाम से, ठीक है, वियतनाम से काफ़ी ज़्यादा पेपर इंपोर्ट किया जा रहा है, और ये जो पेपर है ये काफ़ी लो क्वालिटी होता है, ठीक है, तो अपने जो डोमेस्टिक ग्रोवर्स हैं उनको काफ़ी नुकसान हो जाता है, क्योंकि जो डोमेस्टिक एरिया जो डोमेस्टिक कंजम्पशन है वो ये चीप पेपर की तरफ चली जाती है, तो अपने को उससे काफ़ी नुकसान हो जाता है, तो इस चीज़ को देखने की ज़रूरत है। क्लाइमेट चेंज से काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव रहते हैं स्पाइसेस, ठीक है, अगर स्लाइट सा भी वेरिएशन हो रेनफॉल में तो प्रोडक्टिविटी में आपका कुछ 50-60% तक का डाउनफॉल हो सकता है, ठीक है। और इंटरनेशनल एवरेज जो यील्ड है कार्डेमन का, जैसे हम देखें तो 350 केजी पर हेक्टर है, लेकिन इंडिया में सिर्फ 200 केजी पर हेक्टर है, तो देख रहे हैं काफ़ी कम है, तो इसके लिए भी हमें इंप्रूवमेंट करने की जो है वो ज़रूरत है। उसके बाद वुमेन कैन प्रोपेल द कंट्री टुवर्ड्स ग्रीन रेवोल्यूशन एंड चेंज द लैंडस्केप ऑफ डेवलपमेंट इफ दे गेट अपॉर्चुनिटीज एंड फैसिलिटीज, श्री राधा मोहन सिंह, ठीक है, जो अपने एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, मल्टी डायमेंशनल रोल प्ले करती है वुमेन एग्रीकल्चर में, इनका ऐसा कहना है। 30% फंड्स आर इनमार्क फॉर वुमेन अंडर मेजर स्कीम प्रोग्राम्स फॉर डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज, जो भी डेवलपमेंट रिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं एग्रीकल्चर से, उसमें 30% फंड जो है वो वुमेन की डेवलपमेंट की तरफ डाला जाता है। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस पर ऐसा हमारे एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने कहा, ठीक है, तो उन्होंने ये भी बताया हमें कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से, ठीक है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशंस की, उनके हिसाब से वुमेन का कंट्रीब्यूशन इंडियन एग्रीकल्चर में कुछ अबाउट 32% रहता है, तो देख रहे हैं कि काफ़ी मेजर कंट्रीब्यूशन है, ठीक है। और वहीं अगर हम कुछ स्टेट्स में देखें जैसे कि नॉर्थ ईस्ट और केरला जैसी स्टेट्स में, तो ये कंट्रीब्यूशन जो है वो आदमियों से भी ज़्यादा है एग्रीकल्चर में, जो रूरल इकोनॉमी में एग्रीकल्चर का जो कंट्रीब्यूशन है उसमें वुमेन का कंट्रीब्यूशन वहाँ के आदमियों से भी ज़्यादा है। वुमेन आर इन्वॉल्व्ड इन 48% एग्रीकल्चर रिलेटेड एम्प्लॉयमेंट, वेयर एज 7.45 करोड़ वुमेन्स आर प्लेइंग अ सिग्निफिकेंट रोल इन मिल्क प्रोडक्शन एंड लाइफ स्टॉक मैनेजमेंट, तो देख रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है वो औरतों की इसमें, ठीक है, फॉर्डर पॉइंट बन सकता है अपना मेन्स में अच्छा खासा इससे। अदर मेजर्स टेकन, और मंत्री साहब ने बताया कि और हम क्या मेजर्स ले रहे हैं, एक मेजर तो इन्होंने ये बता दिया कि हम फंड जो है वो 30% फंड हम यहाँ डाल रहे हैं, और क्या मेजर्स ले रहे हैं, ठीक है। जॉइंट लीजिंग ऑफ डोमेस्टिक एंड एग्रीकल्चर लैंड अंडर नेशनल पॉलिसी फॉर फार्मर्स, ठीक है, जॉइंट लीजिंग मतलब आदमी और औरत दोनों के नाम पे, आधा आधा नाम पे दोनों का नाम आएगा लीजिंग में। किसान क्रेडिट कार्ड वुमेन्स के लिए भी इशू किए जा रहे हैं जिससे उनको काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट मिल रहा है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ITBP रेजेस मेड इन मैकेनाइज्ड कॉलम, ठीक है, तो अपनी सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से GS3 में आपका सिक्योरिटी का इशू है, तो वहाँ से उस पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, तो पहली बार 50 साल की हिस्ट्री में ITBP की डिप्लॉय किया जा रहा है मैकेनाइज्ड कॉलम ऑफ पावर व्हीकल्स एंड मशीन्स टू क्विकली मोबिलाइज ट्रूप्स अलोंग द इंडिया चाइना बॉर्डर ड्यूरिंग चाइनीज मिलिट्री ट्रांसग्रेशंस एंड डोकलाम लाइक स्टैंड ऑफ, ठीक है, तो ITBP आपकी एक सेंट्रल पुलिस फोर्स है, ठीक है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, तो इनके पास क्या होता है, जो आर्मी होती है आपकी, आर्मी के पास एक मैकेनाइज्ड कॉलम होता है पावर व्हीकल्स का, ठीक है, ताकि वो अगर कोई पंगा हो जाता है, कोई राड़ा हो जाता है बॉर्डर पे, तो फटाफट से अपने जो ट्रूप्स हैं उनको मोबिलाइज कर सकें, ठीक है, फटाफट से उनको बॉर्डर पे पहुंचाया जा सके, ताकि क्योंकि बॉर्डर पे आपकी ऐसा नहीं है कि सारी फौज बॉर्डर पे ही तैनात होती है, ठीक है, फौज आपकी पीछे भी होती है बॉर्डर पे, एक दो तीन टुकड़ियाँ होती हैं फौज की, बाकी फौज आपकी पीछे होती है, तो अगर कुछ पंगा हो जाता है तो आपको उस फौज को फटाफट से मोबिलाइज करके बॉर्डर एरिया पे पहुंचाना होता है जहां पर कंफ्लिक्ट है, ठीक है, तो आर्मी के पास तो ऐसे सब स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स पहले से हैं कि अगर कुछ कन्फ्लिक्ट हो जाए तो वो फटाफट से अपना जो है आदमी को, अपनी मैन पावर को फटाफट से उधर मोबिलाइज कर सकें, अपनी वेपनरी को फटाफट से उधर मोबिलाइज कर सकें, लेकिन ऐसा सब जो था ITBP के पास नहीं है, क्योंकि ITBP इज़ नॉट इंक्लूडेड इन द आर्म फोर्सेज, ITBP इज़ अ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ठीक है, तो ITBP के पास ये सब साधन नहीं था, लेकिन सरकार का ये कहना है कि भैया ITBP जो है वो इंडिया चाइना बॉर्डर को गार्ड कर रही है, और अगर कुछ भी पंगा हो जाता है तो ITBP को सबसे पहले जो है रिएक्ट करना है, तो जो पुलिस फोर्स, जो फोर्स सबसे पहले रिएक्ट कर रही है, अगर उन्हीं के पास ये स्ट्रेंथ नहीं है कि वो फटाफट से अपने रिसोर्सेज को मोबिलाइज कर सकें, तो उसका कोई फायदा नहीं है, तो इसीलिए अब सरकार ने ये कहा है कि ITBP के लिए भी मैकेनाइज्ड कॉलम ऑफ पावर व्हीकल्स और मशीन्स जो हैं वो लगाई जाएंगी, ताकि वो अपने ट्रूप जो हैं उनको क्विकली मोबिलाइज कर सकें, ठीक है। जैसे मैं आपको बता चुका हूँ कि वाइल द आर्मी हैज मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री, इट हैज एसेंशियल टू मैकेनाइज्ड कॉलम इन द ITBP एज इट सिक्योर्स द बॉर्डर इन पीस टाइम एंड विल बेयर द फर्स्ट ऑनस्लॉट इन केस ऑफ वॉर और अ कन्फ्लिक्ट। बिहाइंड द लेटेस्ट मूव टिल नाउ ओनली द बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेज दैट गार्ड्स द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर हैड एन आर्टिलरी यूनिट एंड सम मैकेनाइज्ड कंपोनेंट्स टू एड इट, ठीक है, तो रिजर्व पुलिस फोर्सेज में अभी तक सिर्फ BSF के पास ये था, अब ITBP के पास भी देने की हमने बातें कर ली है। नेक्स्ट देख लेते हैं, मेल्टिंग आइस मेकिंग ग्रीनलैंड सीज लेस सेलाइन, ठीक है, तो जो ग्रीनलैंड की आइस शीट्स पिघल रही हैं, तो उसका अब एक नया फंडा निकाल के लेकर आए हैं कि उससे मेरा लाइफ इंपैक्ट होगी, क्योंकि जो आइस कंटिन्यूसली जो मेल्ट कर रही है, जो आपका सेलाइन सी होता है उसको वो
उसकी सैलिनिटी जो है वो रिड्यूस कर रही है, तो मैरीन लाइफ पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा, ओशन करंट्स पे उसका इंपैक्ट पड़ेगा जो यूरोप को वार्म रखते हैं, ठीक है। हमें पता है कि यूरोप को वार्म कर रखने के लिए काफ़ी जो वार्म करंट्स हैं वहाँ पर उनकी कोस्ट पर चलते हैं, ठीक है, तो उस पर इंपैक्ट पड़ेगा। ये अभी एक स्टडी है, ठीक है, इसमें अभी कुछ बहुत ज़्यादा इसका साइंटिफिक एविडेंस निकल कर नहीं आया है, या ये नहीं कह सकते कि पुख्ता तौर पर इसके हमारे पास सबूत लगे हैं, तो हाँ, लेकिन अगर कहीं पर मेंस में कोट करना हो तो कह सकते हो कि रिस्क है, साइंटिस्ट ऐसा कह रहे हैं कि हो सकता है, ठीक है ना। ऑल्सो ग्लेशियर्स हैव बीन ऑब्जर्व टू मेल्ट एंड रिट्रीट एंड द रिसर्चर्स नो दैट टुडे मेल्टडाउन ऑफ ग्रीनलैंड आइस शीट हैज मोर देन डबल्ड कंपेयर्ड विद द पीरियड 1983-2003, ठीक है, डबल हो गई है मेल्टिंग, ऐसा भी रिसर्चर्स का कहना है। तो मेंस में कहीं चेप सकते हो पॉइंट, बहुत ज़्यादा इसकी डिटेल में अपने को घुसने की जरूरत है नहीं। आपको हमेशा याद रखना है कि मेंस में आपको 200 वर्ड्स में आंसर लिखना होता है, ठीक है, 200 वर्ड्स में आंसर लिखना होता है। आपको थोड़ा बहुत अपने डिटेल चाहिए, उनको जर्नलिस्ट चाहिए होता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं चाहिए होता। अब कहीं इनकी स्टडी खोल कर बैठ जाओ और उस पर पूरा रिसर्च करने लग जाओ, 200 वर्ड्स में पूरी रिसर्च अगर पढ़ लोगे तो लिख नहीं पाओगे आंसर, फिर आपको इतनी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि आप उसको कैसे आंसर में ढालो आपको पता ही नहीं चलेगा। इसीलिए ऐसा कहते हैं कि जनरल स्टडीज़ का पेपर जब लिखते हैं तो बहुत ज़्यादा नॉलेज अगर किसी को हो तो वो भी बहुत हार्म करता है, क्योंकि आप उसको फिर 200 वर्ड्स में अपना जो है नहीं डाल पाते हो। तो जितना पता होना चाहिए सिर्फ उतना ही पता करो, रिसर्च साइंटिस्ट मत बनना। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू वेरी मच, और सब्सक्राइब कर लेना, अपडेट्स मिलते रहेंगे। और जैसे कि मैंने आपको बताया कि प्लीज़ आप प्लेलिस्ट जो है प्रीलिम्स क्यूज की उसको ज़रूर देखते रहिए रेगुलरली। कुछ 9 वीडियोस मैं अभी तक डाल चुका हूँ, लेटेस्ट जो मैंने अभी डाला है, मैं आपको शुरू में भी वीडियो के बता चुका हूँ कि सिक्योरिटी रिलेटेड जो प्रीलिम्स क्यूज बन सकते हैं, प्रीलिम्स पे क्वेश्चन बन सकते हैं वो डाले हैं, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट के एक महीने पे प्रीलिम्स से पहले डिपेंडेंट मत रहना कि हम तब कर लेंगे क्वेश्चन, वो आपके लिए अच्छा, आपकी प्रिपरेशन के लिए अच्छा नहीं रहेगा। थैंक यू।